गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक है। दोस्तों एक वैश्य कैसे बनी बहू और उसने कैसे दो जिंदगियां बताई, जान के होंगे आप हैरान। किसी शहर में एक दीपिका नाम की वैश्य रहती थी। वह वैश्यवृत्ति करके अपना जीवन गुजर कर रही थी, लेकिन यह काम वो कोई शौक से नहीं कर रही थी, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसको अपने दो छोटे छोटे भाइयों को पालना था जिनका पूरा बोझ उसके ऊपर था, क्योंकि दीपिका के माता पिता उसे बचपन में छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। लेकिन दीपिका बहुत ही पूजा पाठ वाली लड़की थी। सुबह 4 बजे उठकर पूजा करती और पूजा करने के बाद अपने दोनों भाइयों को तैयार करके स्कूल भेज देती, और स्कूल शहर से थोड़ा ही दूर था क्योंकि उस जगह उसको कोई नहीं जानता था जिससे वह अपने भाइयों को पढ़ा सके। लेकिन समाज उसको कभी अच्छी नज़रों से नहीं देखता था, इस बात का उसको बहुत ही दुख होता था। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं यह काम कोई शौक के लिए नहीं करती, मेरी मजबूरी है तभी कर रही हूँ। फिर दीपिका बोली, छोड़ो, इन लोगों की सोच नहीं बदल सकती। एक दिन दीपिका पूजा कर रही थी और पूजा करते करते उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह जोर जोर से रोने लगी और भगवान को बोली, भगवान मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा क्या? मेरी शादी नहीं होगी क्या? समाज में मैं शान से नहीं जी पाऊंगी क्या? मेरा घर संसार नहीं होगा? फिर दीपिका के मन में एक बात आई, मैं रो क्यों रही हूँ? क्या पता भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। एक दिन की बात है, दीपिका अपने किसी ग्राहक के पास से घर के लिए आ रही थी, तभी सामने से एक कार आई जो जाकर सीधे ट्रक से टकरा गई और उसमें से एक आदमी की औरत बाहर आकर गिर गए और उनके बहुत तेजी से खून निकलना शुरू हो गया और वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ हमको बचाओ, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। कार में कोई और नहीं, किसी कंपनी की मालकिन थी और जो आदमी था वह कार का ड्राइवर था। दीपिका थोड़ी देर तक देखती रही, कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी दीपिका भागकर उन लोगों के पास गई और उनको उठाया और सड़क के किनारे बिठा दिया। फिर दीपिका बोली, आप चिंता मत करो, आप लोग ठीक हो जाओगे। तभी लेडी बोली, मेरे बैग से मोबाइल निकालो और मेरे पति को और मेरे बेटे को कॉल करो, उनको बताओ मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं यहाँ पर पड़ी हूँ। फिर दीपिका बोली, आप ज़्यादा मत बोलिए, आपका खून बहुत बह रहा है। दीपिका ने उस लेडीज़ के पर्स में से मोबाइल निकाला और उसके हस्बैंड को ना मिलाकर डायरेक्ट एम्बुलेंस को मिला दिया और जब तक एम्बुलेंस आती दीपिका ने उनको पानी पिलाया और अपने दुपट्टे से उस लेडीज़ का सर बांध दिया जहाँ से खून बह रहा था और खून आना बंद हो गया। इतनी देर में एम्बुलेंस भी आ गई और एम्बुलेंस ने उन दोनों को एम्बुलेंस में डालकर ले गए और दीपिका भी उनके साथ चली गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही दीपिका ने लेडीज़ के पति को कॉल मिलाया। पति ने जैसे ही कॉल उठाया दीपिका ने बोला, आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, वह सिटी हॉस्पिटल में है, जल्दी से आओ। फिर 40 मिनट के बाद उसका पति हॉस्पिटल पहुंच गया और तब तक दीपिका ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली थी, जिसको देखकर उस लेडीज़ का पति बहुत ही खुश हुआ और बोला, बेटी तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन दीपिका के मन में एक बात चल रही थी, जब इनको पता चलेगा कि मैं एक वैश्य हूँ तब क्या ये मुझसे इसी तरीके से बात करेंगे। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उस लेडीज़ के पति से बोलते हैं, खून की ज़रूरत है और इनका काफ़ी खून बह चुका है। उस लेडीज़ के पति ने घर पर फ़ोन मिलाया, बहू और बेटे को बोला, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में खून की ज़रूरत है, जल्दी से आओ। बेटा बोला, माँ का खून मुझसे नहीं मिलता लेकिन दिव्या से मिलता है। फिर बेटे ने अपनी पत्नी को बोला, मम्मी को खून दे दो। तो इस पे दिव्या बोली, मैं अपना शरीर खराब नहीं करना चाहती, बुढ़िया कल मरती हो अभी मर जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। तभी दीपिका बोली, मेरा खून चेक कर लो, क्या पता मिल जाए। डॉक्टर ने दीपिका को अंदर रूम में ले गए और उसका खून निकाला तो लेडीज़ के खून से उसका खून मिल गया। अब लेडीज़ के पति और बेटे की सांस में सांस आई और उधर दीपिका के भाई परेशान हो रहे थे कि दीदी अभी तक क्यों नहीं आई। इधर दीपिका का खून लेडीज़ को चढ़ाया जा रहा था और ठीक 2 घंटे के बाद उस लेडीज़ को
होश आया और सबसे धीरे धीरे बात करने लगी। फिर डॉक्टर भागकर आया और बोला, आज यह लड़की ना होती तो आप बहुत पहले ही मर चुकी होती, यही आपको इधर लेके आई है। तभी उस लेडीज ने बोला, कोई बात नहीं। उसने फट से दीपिका को गले लगा लिया और बोली, बेटी हम तेरे पूरी उम्र कर्जदार रहेंगे, आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमको अपनी छोटी बहू बनाना चाहती हूँ, बोलो बनोगी? दीपिका बोली, आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ। फिर वह लेडीज बोली, जब एक्सीडेंट होके मैं नीचे रोड पर पड़ी थी और तुमने भागकर हमको सड़क के किनारे किया और अपने दुपट्टे से मेरा सर बांधा, तो वहाँ के लोग जोर जोर से बोल रहे थे, वैश्या को देखो कैसे सराफत दिखा रही है अपनी। यह बात मैंने सुन ली थी। यह बात सुनते ही दीपिका की आंखों में आंसू भर आए और वह फूट फूट कर रोने लगी। उस पर लेडी और उसका पति दीपिका के सर पे हाथ रखा और उसे अपनी बेटी कहा और अपने छोटे बेटे के हाथ में उसका हाथ रख दिया और दीपिका को वचन देगा, आज से तुम हमारी बहू हो। कुछ समय के बाद वह लेडी ठीक हो गई और अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अपने घर आ गई। दीपिका भी अपने घर चली गई। दीपिका ने भगवान को धन्यवाद कहा, बोली, प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है। कुछ महीने के बाद दीपिका की शादी उस लड़के से हो जाती है और दीपिका अपने सुखी संसार में चली गई और उसका घर बस गया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की कहानी की सीख, कोई औरत वैश्या नहीं बनना चाहती, समाज और उसकी मजबूरी उसे बनाती है, इसलिए किसी वैश्या का शरीर मत देखो, उसका चरित्र देखो। जीवन में हमेशा ध्यान रखो, अगर दीपिका की तरह कोई लड़की नज़र आए तो उसे सही राह दिखाओ और उसका घर बस सके तो बसा दीजिए, यह एक नेक काम होगा जो 100 पुण्य के बराबर है। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं और आपकी राय क्या है। साथ में दोस्तों, स्टोरी को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े, नेक्स्ट टाइम आपको एक और प्रेरणादायक स्टोरी ला सकूं। आपका दिन शुभ रहे।